शिवसेना के लोकसभा सदस्य कृपाल तुमाने ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और पूर्व मंत्री अजीत पवार के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पवार ने आरोप साबित होने पर राजनीति छोड़ने की चुनौती दी। तुमाने ने पवार पर यह हमला उन खबरों के बाद किया जिसमें कहा गया था कि राकंपा नेता ने पिछले सप्ताह नागपुर में एक बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो पिछले साल शिवसेना में हुई बगावत के पीछे कथित पैसे की ताकत को नहीं भूले। नागपुर की बैठक में पवार ने शिवसेना की बगावत का संदर्भ देते हुए मतदाताओं से गद्दारों को सबक सिखाने को कहा था। नागपुर जिले के रामटेक से सांसद तुमाने ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि पवार को पहले बताना चाहिए कि उन्होंने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री रहते हुए कितने खोखे यानी कि कितने पैसे एकत्र किए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नित शिवसेना के सदस्य तुमाने ने पवार पर आरोप लगाया कि वो पैसे लिए बिना कोई काम नहीं करते। नागपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद कृपाल तुमाने ने कहा, अजीत पवार को हमें बताना चाहिए कि जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कितने बक्सों का संग्रह किया था। अजीत पवार बक्सों के बिना काम नहीं करते थे। जो लोग सोते समय और सुबह उठकर बक्सों को देखते हैं वो बक्सों की ही बात करते हैं। दादा बिना पैसे लिए काम नहीं करते थे। इस बीच कृपाल तुमाने के आरोप पर अजीत पवार से मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी प्रतिक्रिया पूछी। इस पर अजीत पवार ने कहा, तुमाने कहें या महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति कहे तो भी मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इसे साबित करो। साबित नहीं हुआ तो सांसद कल से घर बैठ जाएं। महाराष्ट्र के सभी विधायकों से पूछिए कि मेरी कार्यशैली कैसी थी। शिंदे समूह के नेताओं के बारे में अजीत पवार ने कहा, राज्य सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी निश्चित रूप से सामने आएगी। शिवसेना देशद्रोहियों को सबक सिखाएगी। बता दें, कृपाल तुमाने के इस आरोप के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। इस बयान के बाद से बयानों का सिलसिला भी चल पड़ा है। राकंपा नेता ने पुणे में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए तुमाने पर पलटवार किया और कहा कि अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने लोकसभा सदस्य को चुनौती दी कि वह उनके खिलाफ लगाए गए आरोप को साबित करें और ऐसा नहीं करने पर कल से घर बैठ जाएं। वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर कृपाल तुमाने ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 3 महीनों में चुनावों को लेकर बीजेपी और शिवसेना की संयुक्त बैठकें होंगी। वहीं आपको बता दें कि एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट आवंटित करते समय उनकी योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जीत की संभावना के आधार पर कैंडिडेट चुने जाएंगे। इसके साथ शिरूर लोकसभा सीट पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि शिरूर लोकसभा सीट पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा। वर्तमान में इस सीट से एनसीपी नेता अमोल कोहले सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर दावेदारी पेश करने के लिए एनसीपी नेता विलास लांडे और अमोल कोहले में लड़ाई चल रही है। 2019 के चुनाव में कोहले ने एक इस सीट पर बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली शिवसेना उम्मीदवार शिवाजी राव अधल राव पाटिल को हराया था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन बनाया था। पवार ने संवाददाताओं को समीक्षा बैठक के बारे में बताया जिसमें 9 जून को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अहमदनगर में होने वाली एक सार्वजनिक रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में योग्यता के आधार पर ही उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।